तो मुशायरा हो या शेरी नशीद हो, उसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे मजलूम जो शख्सियत होती है वो नाज़िम मुशायरा की, इसलिए कि उसके साथ कई मसाइल होते हैं कि वो अपने आप को कहाँ प्लेस करे, कैसे प्लेस करे, कर भी पाता है कभी नहीं भी कर पाता है। और जो दूसरा मसला होता है कि चूंकि बार बार वो फोकस में आता है सुनने वालों पे, इसलिए थोड़ा सा उसको सुनने वाला भी लाइट लेता है। लेकिन मैं आपके कोशिश गुजार कर दूँ कि हमारे जो नाज़िम मुशायरा है आज के इस मुशायरे के जनाब फैज़ान शहबर साहब, ये न सिर्फ ये कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और आप लोग इस मुशायरे के बाद ज़रूर इनका नंबर लीजिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे तिबिया कॉलेज अजमन इस्लाम के ज़ेर एहतमाम मेडिसिन के शोबे में, और उसी के साथ साथ ये बहुत अच्छे शायर हैं। और आपने निज़ामत तो खैर इनके आप देख ही रहे हैं, इस बारे में कोई बताना मुनासिब नहीं है, आप खूब बेहतर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं इनकी निज़ामत को। लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर साहब से कि अपने अशार से भी हमारे सामईन को नवाजें, और जिस तरह वो आपकी निज़ामत से महजूज हो रहे हैं उसी तरह आपकी शायरी से भी महजूज हों जनाब फैज़ान शहबर। अस्सलामु अलैकुम। सदर महफिल की इजाज़त से मैं अपना शहरी सफ़र यहाँ से शुरू करता हूँ। शहर मुंबई में 5 साल से रह रहा हूँ, जो कुछ देखता हूँ अपने इर्द गिर्द उसी को अशआर में कहने की कोशिश करता हूँ। शेर यहाँ से आप लोग हमारे शेर में नहीं दाखिल हैं, मत ले जाइएगा। गज़ल का मतलब है कि शहर बेवफा में वफादार ढूंढना, इस शहर बेवफा में वफादार ढूंढना, सेहरा में जैसे साये दीवार ढूंढना, इस शहर बेवफा में वफादार ढूंढना, सेहरा में जैसे साये दीवार ढूंढना, मिल जाती है हजारों की ताईद झूठ को, मिल जाती है हजारों की ताईद झूठ को, मुश्किल बहुत है सच का तरफदार ढूंढना, मुश्किल बहुत है सच का तरफदार ढूंढना, मिल जाती है हजारों की ताईद झूठ को, मुश्किल बहुत है सच का तरफदार ढूंढना। एक गज़ल के चंद अशआर, हमारी गज़ल जिसको उर्दू चैनल में डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब ने शायर किया था, मैं उनका मशहूर हूँ। गज़ल का मतलब है कि नए लम्स न बोसा न बगल गिर हुआ मैं, नए लम्स न बोस नए लम्स न बोसा न बगल गिर हुआ मैं, खुद अपने लिए पाँव की जंजीर हुआ मैं, खुद अपने लिए पाँव की जंजीर हुआ मैं, मुझको तो तेरे इश्क ने छोड़ा न कहीं का, मुझको तो तेरे इश्क ने छोड़ा न कहीं का, अफसोस के इस राह का रहगीर हुआ मैं, अफसोस की इस राह का रहगीर हुआ मैं। और ख़ास तौर से ये शेर, पाकीज़ा मोहब्बत का तो परतव है मेरा इश्क, पाकीज़ा मोहब्बत का तो परतव है मेरा इश्क, इकलीम मोहब्बत का जहांगीर हुआ मैं, इकलीम मोहब्बत का जहांगीर हुआ मैं गर्दिश अय्याम से थक हार गया था, मैं गर्दिश अय्याम से थक हार गया था, मिलते ही तेरे साहिब तब्दील हुआ मैं, मिलते ही तेरे साहिब तब्दील हुआ मैं। और गजल का मुख्तसमा सुना था कि सयाद बना फिरता था शह पर न चला बस, सयाद बना फिरता था शह पर न चला बस, उसकी निगह नाज से नखचीर हुआ मैं, उसकी निगह नाज से नखचीर। तालीम के अपने गजल में लफ्ज इस्तेमाल किया। एक गजल के चंद अशआर गालिब ने इस्तेमाल किया है, कोशिश किया कि इसको मैं भी अपने शेर में अगर इस्तेमाल कर सकूँ। गजल गजल का मतलब है सर कि कत्लो खून रेजी का मंजर रह गया अखबार में, कत्लो खून रेजी का मंजर रह गया अखबार में, मर गई इंसानियत जैसे कहीं कोहसार में, मर गई इंसानियत जैसे कहीं कोहसार में, मैं तो दीवाना हूँ उसका चाहे दुनिया जो करे। ये शेर हमने खुबाब बिन नदी रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए कहा है, जिन्होंने अल्लाह के रसूल के नाम पर अपनी जान कुर्बान की है। मैं तो दीवाना हूँ उसका चाहे दुनिया जो करे, चाहे सूली पर चढ़ा दे या चुने दीवार में, मैं तो दीवाना हूँ उसका चाहे दुनिया जो करे, चाहे सूली पर चढ़ा दे या चुने दीवार में, बात 100% सही है प्यार तुमसे है मुझे, बात 100% सही है प्यार तुमसे है मुझे,
हाँ झिझक जाता हूँ लेकिन प्यार के इजहार में, हाँ झिझक जाता हूँ लेकिन प्यार के इजहार में। और एक शेर खासतौर से कि तुम तो एक शहकार हो हुस्नो अदा में बेमिसाल, तुम तो एक शहकार हो हुस्नो अदा में बेमिसाल, चश्मे बद से बच के रहना जाने जा बाजार में, चश्मे बद से बच के रहना जाने जा बाजार में। और गजल का मख्ता समाप्त फरमा लें कि तुम तो सादा दिल हो शह पर तुमको क्या मालूम है, तुम तो सादा दिल हो शह पर तुमको क्या मालूम है, लज्जतें मिलती हैं कितनी गुलरुखों के प्यार में, लज्जतें मिलती हैं कितनी गुलरुखों के प्यार में। इसके बाद सर साहब अगर एक नज्म की इजाज़त हो, जो मैं कलमकारों से खिताब, क्योंकि हमारे कलमकार कभी कभी सियासत से मुतासिर होते हैं तो बहकने लगते हैं, जो हमने शेर कहा है थोड़ा सा देखने, नज्म है कलमकारों से खिताब, इस नज्म का उन्वान है। हो न जाना तुम कहीं बेहिस सुखनवर की तरह, हो न जाना तुम कहीं बेहिस सुखनवर की तरह, जिंदगी जीना है तुमको एक रहबर की तरह, जिंदगी जीना है तुमको एक रहबर की तरह, शोहरतें तुमको मिलें या जिंदगी गुमनाम हो, शोहरतें तुमको मिलें या जिंदगी गुमनाम हो, खिदमत शेरो सुखन ही बस तुम्हारा काम हो, खिदमत शेरो सुखन ही बस तुम्हारा काम हो, रूहे गालिब को सुकून हासिल तुम्हारे दम से है, रूहे गालिब को सुकून हासिल तुम्हारे दम से है, ये अदब का आईना अच्छा तो जामे जम से है, ये अदब का आईना अच्छा तो जामे जम से है, मीर के बारिश हो तुम खुसरू की तुम आवाज हो, हो खुदी इकबाल की बेदी का तुम अंदाज हो, हो खुदी इकबाल की बेदी का तुम अंदाज हो, मैं कदे से दाग के बस मैं कशी करते रहो, फैज़ के अंदाज में ही शायरी करते रहो, फैज़ के अंदाज में ही शायरी करते रहो, हाली से इंसानियत का दर्स भी सीखा करो, जोश की ललकार को हरगिज न तुम भूला करो, बिकने वालों से कभी उम्मीद मत रखना कोई, बिकने वाले बिकते हैं मिल जाए अगर होता कोई, वास्ता मीरो वली से है नासगर से उन्हें, लेना देना कुछ नहीं सच्चे सुखनवर से उन्हें, हाँ मगर राह सुखन में तुम नहीं रुकना कभी, सामने अहले सियासत के नहीं झुकना कभी, परवरिश लोहो कलम की दिल से ही करते रहो, लम्हे लम्हे में बसर एक जिंदगी करते रहो, मुद्दा शह पर कार बाबे कलम कर जान लें, है कलम में कितनी ताकत ठीक से पहचान।